ओके गाइस, दिस इज मनीष एंड यू वाचिंग मनीष फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार मोबाइल से कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि हम अपने मोबाइल फोन से पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल आपको इजी वे बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में अपनी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं अपनी पीडीएफ फाइल बनाना, सो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। एंड गाइस, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इन फ्यूचर में कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं तो आप मिस ना करो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो हमें अपने मोबाइल से पीडीएफ फाइल बनाने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। सो वो ऐप हम चलिए प्ले स्टोर से मैं आपको बता देता हूँ उस ऐप का नाम क्या है और सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो उस ऐप का नाम है WPS, ठीक है। आपको मतलब पूरा नाम WPS PDF है, बट आपको WPS आपको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा WPS Office प्लस PDF, ठीक है। तो ये आपका आपको लिंक डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड प्ले स्टोर से भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपको इसको सिंपली क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना है। इसकी साइज समथिंग 35 MB के आसपास है, करेंटली साइज इतना है, इन फ्यूचर कम ज़्यादा होता रहता है, तो ठीक है अपडेट के हिसाब से। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करते हैं कि हम इसे ओपन कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लिक हो गया। तो कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा इस ऐप का, जहाँ यहाँ पे आप बहुत सारे टाइप के वर्क कर सकते हैं, जैसे कि न्यू स्कैन, न्यू मेमो, न्यू PDF, न्यू स्प्रेडशीट, न्यू प्रिपरेशन या न्यू डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बनाना चाहते हैं तो बना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको इस ऐप का पूरा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपसे, उसके बाद पूरा मैं आपको इसको बताऊँगा कि पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। यहाँ से आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाती हैं ये टेम्पलेट वाले सेक्शन में, जहाँ पे आप चाहें तो अपने पीडीएफ फाइल या फिर कोई भी फाइल्स के लिए यहाँ पे अपने जो भी अपने हिसाब से रिज्यूम, कार्ड, लेटर, एजुकेशन, फाइनेंस, बिजनेस के लिए आप जो भी मतलब जो टेम्पलेट्स चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी उसके हिसाब से। तो इजीली यहाँ से आप चाह सकते हैं, बट अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल से पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल बनाने के लिए हमें सिर्फ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है न्यू PDF में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा थर्ड पर, सबसे स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन पे न्यू PDF। अब न्यू PDF आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं? देखिए PDF दो टाइप्स की होती है, जो होती है एक डॉक्यूमेंट्स वाली PDF होती है और पिक्चर्स वाली PDF होती है। तो देखिए जो मेनली जो PDF बनाई जाती है वो डॉक्यूमेंट्स की इमेजेस की बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ से अगर आप दोनों चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स की बनाऊँ, जिसमें मान लीजिए आप कोई वर्ड वगैरह लिखते हैं और उसकी PDF फाइल बनाना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम इमेजेस की बना रहे हैं, ठीक है। तो इमेजेस की बनाने के लिए पिक्चर टू PDF पे जाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें अपनी कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर लेनी पड़ेगी जिसकी हम PDF फाइल बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ से कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4 से 5 इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या करना है कि जैसे आपने इमेजेस सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है कि कन्वर्ट टू PDF जो दिख रहा है ये यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि फोल्डर सिलेक्ट करना है, या फिर आप माई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, माय डॉक्यूमेंट्स कर लीजिए डायरेक्ट, या फिर आप अपने हिसाब से रेंडमली जो फोल्डर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जस्ट आपको क्या करना है कि इसे एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है योर डॉक्यूमेंट रिप्लेस, मतलब इस नेम से एक और है, तो क्या कर सकते हैं, हाँ मैं रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा जो PDF फाइल है वो बन चुकी है। कुछ इस टाइप से देखिए हमारी PDF फाइल है, देखिए ये PDF फाइल रेडी है। अब मैं इसको डायरेक्टली किसी को सेंड कर सकता हूँ एंड वो कोई ओपन करेगा तो ये हमारी PDF फाइल इस टाइप से लोगों को शो करेगी। एंड यहाँ से आप चाहें शेयर कर सकते हैं, देखिए क्लाउडफेयर, व्हाट्सएप एंड यहाँ पे और भी सोर्सेज हैं, कहाँ पे आप शेयर करना चाहते हैं, जेंडर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू। तो आप व्हाट्सएप की जरूरत है भी किसी को अगर PDF फाइल बनाकर ईजिली आसानी से कोई भी इमेजेस एक बार में सेंड करना चाहते हैं तो ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज़ आप इसी तरह अपने मोबाइल फ़ोन से ईजिली बहुत ही आसानी से अपनी एक PDF फाइल बना सकते हैं। सो गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मैं मिलता हूं आपसे इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।